नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड की राजधानी रांची में जमकर बवाल, पत्थरबाजी में एसएसपी समेत कई थानेदार घायल, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, धारा 144 लागू। नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर झारखंड की राजधानी रांची में जमकर बवाल मचा है। इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन खास समुदाय के द्वारा किया गया। शुक्रवार को नमाज अदायगी के बाद मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद के पास भारी संख्या में खास समुदाय के लोग जमा हुए और जमकर बवाल काटा। हालांकि इस दौरान स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही जुलूस डेली मार्केट के पास पहुंचा बेकाबू हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर हवाई फायरिंग की और लाठियां भी भांजी। झारखंड बोर्ड की मार्कशीट में क्या जानकारी मिलेगी, एसएमएस पर कैसे चेक करें रिजल्ट। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में हुई थी। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा हुई थी। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 के बीच और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक आयोजित हुई थी झारखंड की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेएससी ने कापियों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है और अब जल्द ही बोर्ड रिजल्ट की सूचना दे दी जाएगी। झारखंड बोर्ड रिजल्ट jsc.nic.in पर और jscresult.com पर घोषित किए जाएंगे। रांची नगर निगम के 200 प्रोजेक्ट अधर में लटके, 5000 पीएम आवास योजना का कार्य भी रुका जाने वजह। रांची में पिछले कुछ दिनों से बालू उठाव सीमित होने के कारण कई निर्माण कार्य अधर में लटक चुके हैं। बालू की कमी की वजह से रांची में करीब 200 प्रोजेक्ट का निर्माण रुका हुआ है। यही बालू के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य भी प्रभावित हो गया है। बालू की कमी के वजह से न सिर्फ विकास कार्य की गति धीमी हुई है, बल्कि प्रदेश के दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति में भी दयनीय हो गई है। मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। हरियाणा में खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, 3 गोल पर जमाया कब्जा। झारखंड के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ झारखंड की सुप्रीति कश्यप और आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड दिलाया। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड की बेटिया ने 2 स्वर्ण जीता। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा के पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक आयोजित खेलों में इंडिया यूथ गेम्स 2021 लिए खेल कूद व युवा कार्य निदेशालय झारखंड सरकार रांची के नेतृत्व में भाग ले रही झारखंड की बालिका एथलेटिक्स के लिए गुरुवार का दिन चमकदार रहा। खुशखबरी, झारखंड में 3119 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायकों की होगी नियुक्ति, जानिए डिटेल से। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड के प्लस टू स्कूलों में शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भेज दी गई है। झारखंड के 510 प्लस टू उच्च विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 230 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। सेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में अब 17 जून की होगी सुनवाई, सरकार ने मांगा समय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन एवं कर्मियों को सेल कंपनियों में निवेश को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कल सुनवाई के में राज्य सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए 17 जून को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। बताते चले कि बीते 3 जून को केस में मेंटेनेबल या न ही इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज की और कहा कि यह याचिका मेंटेनेबल है। इसके बाद 10 जून की तारीख को सुनवाई के लिए तय किया गया। कल सुनवाई के बाद अगली तारीख 17 जून को रखी गई है। बासुकीनाथ में दुमका और डुमरी देवघर फोर लेन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बासुकीनाथ से दुमका और डुमरी से देवघर सड़क को फोरलेन करने के लिए आग्रह किया है। वहीं धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी से भी अवगत कराया गया है। नूपुर शर्मा के बहाने रांची में उपद्रवियों का नंगा नाच, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में कई जख्मी, धारा 144 लागू। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नूपुर शर्मा की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बहाने उपद्रवियों ने हिंसा का नंगा नाच शुरू कर दिया। झारखंड के राजधानी रांची में विरोध के नाम पर जमकर हिंसा हुई। शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते बेकाबू हो उठा। जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी समेत आम लोग घायल हुए। एक दर्जन से अधिक घायलों को रिम्स पहुंचाया गया। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने सुजाता चौक से फिराया लाल चौक और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में धारा 144 का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन के इस फैसले से खुश हुए पुलिसकर्मी, चतुर्वर्गीय कर्मचारियों से लेकर पुलिस निरीक्षक तक को मिलेगा लाभ। झारखंड पुलिस में चतुर्वर्गीय कर्मचारियों से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। झारखंड सरकार के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजने की अनुमति दे दी है। पूर्व की रघुवर सरकार में राज्य के करीब 63,000 पुलिसकर्मी यानी चतुर्वर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक को एक महीने का अतिरिक्त वेतन, मतलब साल में 13 महीने का वेतन देने का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन इसके पहले इन पुलिसकर्मियों के 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश को काट दिया गया था। पुलिस कर्मियों ने क्षतिपूर्ति अवकाश काटने का विरोध पूरे प्रदेश में जारी रखा। वह काला बिल लगाकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराए रहते। 23 जून को होगा 14 प्रत्याशियों के भाग का फैसला। 440 दिव्यांग और 392 अति वृद्ध पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मत डाले जाएंगे। मैदान में कुल 14 उम्मीदवार खड़े हैं। 19 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से 4 का नामांकन निरस्त कर दिया गया। एक उम्मीदवार की शिशिर लकड़ा ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया है। मतदाताओं की संख्या एवं कोविड प्रोटोकॉल के ध्यान को रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या 429 से 433 की गई है। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से संयम बरतने की अपील। रांची के मेन रोड क्षेत्र के में हंगामा और पथराव के बाद फायरिंग की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा बकाया का भुगतान आदेश जारी, खाते में बढ़ेगी राशि। रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक तरफ जहां उनके लिए 14% वृद्धि की गई थी, वहीं दूसरी तरफ रेलवे द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी बकायेदारों को उनके अरियर्स का जल्द से ही भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जारी आदेश में कहा गया है कि भुगतान के लिए सुनिश्चित व्यवस्था तैयार की जाए और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द कार्यालय को भेजी जाए। वहीं इस आदेश जारी होते ही जल्द से जल्द रेलवे कर्मचारियों को बकाया का भुगतान किया जाएगा। बड़े आइडियाज ही विजेता बनाते हैं। अहमदाबाद में INSPC के हेडक्वार्टर का उद्घाटन कर पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके के जरिए प्राइवेट इंडस्ट्री को भी मदद करके देश आज विजेता बनने का अभियान शुरू कर रहा है। बकौल प्रधानमंत्री, भारत के युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देगा। पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर भारत के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के दिए बयान को लेकर शुक्रवार को दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और पथराव की खबर है। कोलकाता, लुधियाना, हैदराबाद, श्रीनगर और रांची में भी विरोध प्रदर्शन हुए। भारत बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद फिर से शुरू हुई बस सेवा। अगरतला, ढाका, कोलकाता रूट पर होगा सफर। भारत बांग्लादेश के बीच बस सेवा कोविड-19 के चलते 2 साल तक बंद रहने कारण शुक्रवार को दोबारा शुरू हो गई है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अनुसार बस अगरतला बांग्लादेश और कोलकाता अगरतला रूट पर चलेगी, जिससे पर्यटक और लोगों को मेल मिलाप को बढ़ावा मिलेगा। त्रिपुरा के पर्यटक मंत्री परमजीत सिंह राय ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।